सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एमटीबी राइडर एक्शन। बहुत सारे लोग मेरे से अभी भी पूछते हो कि मैं फैट बाइक क्यों नहीं चलाता हूँ। सो ऑन दिस नोट, आज मैं फैट बाइक राइड कर रहा हूँ एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने फैट बाइक सेल कर दी या कुछ कर दी, बट मेरे हिसाब से मैं फैट बाइक कभी सेल करने नहीं वाला हूँ, बिकॉज मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, कभी अगर रेयर केस हुआ तब मैं शायद ही सेल कर दूँ, दैट इज अ एक्सेप्शनल केस, उसे आप कंसिडर मत ही करना। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंने फैट बाइक को राइड करना क्यों बंद किया था, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियोस में पहले देखते आ रहे होंगे मैंने फैट बाइक चलाना बंद कर दिया है। यहीं आज आपको पता चलेगा कि मैंने फैट बाइक चलाना क्यों बंद किया था एंड क्या क्या रीजन थे जिसके कारण मैं फैट बाइक अभी काफ़ी ज़्यादा कम चलाता हूँ, बट आज चला रहा हूँ। तो आज मैं आपको सारे इसके जो मेरे को लॉन्ग टर्म यूजेज में प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सब बता दूँगा। एंड गाइज, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फैट बाइक लेने जा रहे हो तो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते हैं, हाँ अगर आप साइक्लिस्ट हो तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे नॉर्मल कंडीशन के लिए बेस्ट है। वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइज, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं एंड आपको ऑसम कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ गेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक भी कर देना वीडियोस को, क्योंकि अगर अच्छी लगती है तब लाइक करना, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो जब देखता हूँ लाइक्स आते हैं तब। तो जो मैं इससे क्यों नहीं राइड करता हूँ, उससे पहले आपको बताने से पहले मैं आपको फैट बाइक की दो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता दूँ। फर्स्ट, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। अभी आप देख सकते हो अभी मेरा गंदा हो रखा है फैट बाइक पूरा, तब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं। एंड सेकेंड इज़ इसकी रोलिंग। अभी देखो, मैं अगर इसे छोड़ भी दूँ ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये चलते ही रहेगी। और मतलब ना, इसका रोलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड व्हील साइज़ बड़ा होने के कारण हम लोग इसे लॉन्ग राइड्स में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने इससे 100 किलोमीटर किया था, बट वो उस राइड में फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ आपको एक स्टारवा का क्लिक दिख रहा होगा। और अब हम लोग बात करते हैं इसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में। सो लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेक्स में प्रॉब्लम आते हैं। रिसेंटली मैंने हाइड्रोलिक्स पर अपग्रेड किया था, बट अभी मैं इसी पे काम चला रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोलिक्स मैंने एमटीबी में डाल दिया है। हैंडल बार भी मैंने चेंज किया है एंड स्टेम भी मैंने चेंज किया है। दीज आर फ्रॉम माय ओल्ड एमटीबी, ओल्ड नहीं, जो अभी मैंने रिसेंटली बाई किया है उस एमटीबी का है। और जो हैंडल बार है वो काफ़ी अच्छा है एंड जो स्टेम है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑरेंजी कलर का है, सो मैचिंग है। एंड यहाँ पे दो बैग्स हैं, उनके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और जो ब्रेक्स हैं, इसके ब्रेक थोड़े लॉन्ग यूजेज में थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, बट मैंने मेंटेन करके रखा है तो अभी तक सही से चल रहा है। और इसके बाद प्रॉब्लम आता है इसके टायर्स में। इसके टायर्स देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही घिस चुके हैं एंड अभी मेरे को चेंज भी करना है, इसीलिए मैंने चलाना बंद कर दिया था अपने फैट बाइक को। और एक और रीज़न है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड बहुत बड़ा है, तो इसे कहीं पे भी कैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि हाथ में उठा के कैरी करना बोल रहा हूँ, लाइक मेरे को कहीं पार्क करना है तो बहुत सारे लोग नोटिस कर लेते हैं एंड आपको एक अंदर से डर रहता है कि कोई चोरी ना कर ले, और काफ़ी ज़्यादा जगह भी लेता है तो ईजिली कहीं पर पार्क नहीं होता है। और एक और इसका प्रॉब्लम जो सीट पोस्ट है, सीट पोस्ट डिसकलर सबका हो जाता है और मेरा भी उसी टाइप से हुआ है, बट सही से अभी भी चल ही रहा है मेरा सीट पोस्ट, थोड़ा सा बस डिसकलर हुआ है। एंड सस्पेंशन, मैंने तो इस पर व्हीली तो सीख लिया, बट अब मेरे को सस्पेंशन की नीड है एंड जो मैंने रिसेंटली सस्पेंशन लगाया था वो भी टूट चुका है। सो डिसएडवांटेज ये रहा एक फैट बाइक का, सस्पेंशन लगा सकता हूँ बट सस्पेंशन का कारण काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, हाँ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी हाई है एंड इसके पेडल्स बहुत जल्दी टूटते हैं, ये मेरे थर्ड पेयर ऑफ पेडल्स हैं, बाकी सब टूट चुके हैं। और काफ़ी अच्छा है फैट बाइक, ऐसे आप ले सकते हो अगर आपको लेना है नॉर्मल राइड के लिए एंड अगर आपको रेसिंग करना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ एमटीबी। एंड रोलिंग चेक के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अभी तक घूम रहा है गाइस, आप देख सकते हो अभी जाके रुकेगा एंड बहुत तगड़ा है इसका रोलिंग, आप देख सकते हो, मैं बस थोड़ा सा टच किया इसे, सी दिस, वॉट अ रोलिंग मैन। फैट बाइक की रोलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, डैट्स वाई लॉन्ग राइड्स में दिक्कत नहीं होता जल्दी। हाँ, पेडल करने में दिक्कत होता है एज द फैट बाइक इज़ वेरी हैवी।
पिछले वाले बैग में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये बैग डी शेप होता है कि नहीं। डी शेप मतलब ये होता है ना, ये स्क्वीज हो जाता है बहुत जल्दी अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर देते हो या फिर विदाउट प्रेशर दिए। सो जो नया वाला बैग है उसके जो साइड पैडिंग से मेरे हिसाब से थोड़े से स्टिफ है इस बार, बिकॉज अभी तक ये बेंड नहीं हो रहा जल्दी। आप देख सकते हो ये देखिए थोड़ा सा बेंड हुआ, बट जो पुराने वाला था उसमें आपको दिखाता हूँ कैसा होता था। ऐसा हमेशा रहता था जब तक से आप उसके अंदर कोई सामान नहीं भरते थे। एंड जो इस बार हुआ है ये वाइजर दिया गया है सो दैट सन रेज आए तो डायरेक्ट फ़ोन पे ना पड़े, जिसके कारण फ़ोन भी हीट नहीं होगा और आपको देखने में भी आसानी रहेगा। एंड इस बार जो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी वो है ये लॉकिंग मैकेनिज्म। फ्रंट में तो पहले भी था, ये नीचे में ये दो लॉकिंग पहले से नहीं थे एंड नए वाले मॉडल्स में ये अवेलेबल है। सो दिस इज मोर सेफर एंड सरप्राइजिंगली इसका प्राइस भी कम है। आई डोंट नो हाउ बट दे समहाउ मैनेज टू लोअर द प्राइस ऑफ द न्यू बैग विच हैज मोर फीचर्स देन बिफोर एंड अ बेटर क्वालिटी देन बिफोर। एंड इस बैग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। सो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड मेरे को बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।